मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व के 200 पॉइंट आरक्षण रोस्टर फॉर्मूले को लागू करने के लिए मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात की। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि 1 से 2 दिनों में केंद्र सरकार इस संबंध में अध्यादेश लाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पूर्व के 200 पॉइंट रोस्टर के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा आरपी सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए 200 पॉइंट रोस्टर के आधार पर नियुक्ति के लिए सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से अध्यादेश लाने की मांग की है। इससे पहले सोमवार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इस मामले को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था और 200 पॉइंट रोस्टर पूर्ण लागू करने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल अध्यादेश लाने की मांग की गई थी। आरपी सिंह ने कहा कि इस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा है। कल ही हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो रोस्टर वाला मामला है, यूजीसी का जो रोस्टर है, पुराना रोस्टर है 200 पॉइंट्स का, उसको कोर्ट के आदेश के तहत 13 पॉइंट कर दिया गया था, जिससे आरक्षित वर्ग श्रेणी के जितने भी लोग थे वो काफ़ी आहत थे। तो हम लोगों ने ये मांग की थी कि भाई जो पुराना रोस्टर है, पुराना रोस्टर ये था कि पूरे जो यूनिवर्सिटी की वैकेंसी होती थी उसको एक साथ क्लब करके कोई निकाला जाता था, और अभी उन्होंने क्या कर दिया था कि आप विभाग वाइज निकालते थे, तो 13 पॉइंट का बना था, इससे नुकसान था सब। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2-3 दिन में सरकार कुछ करने वाली है। चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना चाहिए, यही सरकार की भूमिका है, और इसलिए मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि अगर हमारा रिव्यू पिटीशन खारिज होता है तो कानूनन जो उपाय है वो हम करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नहीं होगा और यूनिवर्सिटी वाइज ही रोस्टर होगा। आज भी मैं वही दोहरा रहा हूँ, और 2 दिन प्रतीक्षा करें लोग, उनको 2 दिन में न्याय मिलेगा, इतना मैं आज आश्वस्त कर सकता हूँ। साथ ही साथ जावड़ेकर ने आग्रह किया कि जो आंदोलन किया गया था, आज जो कुछ लोग इसमें गलतफहमी होगी या दूसरे किसी उद्देश्य से लेकिन आंदोलन पे आए हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अब आंदोलन करने की उनको जरूरत नहीं है, सरकार न्याय देगी, 200 पॉइंट रोस्टर लाएगी, और कैसे लाएगी इसके लिए केवल 2 दिन की प्रतीक्षा करें, यही मेरा अपील है। खबरों के मुताबिक आरसीपी सिंह ने कहा कि रोस्टर को मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टी आरक्षण के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है, भारत बंद का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि 200 पॉइंट रोस्टर में विश्वविद्यालय की सभी नियुक्तियां एक साथ निकलती थीं, उनमें आरक्षण दिया जाता था, वहीं नए 13 पॉइंट रोस्टर में विभागीय स्तर पर नियुक्तियां निकलती हैं, उसी आधार पर आरक्षण दिया जाता है। आपको पूरा मामला बताते हैं। 7 अप्रैल 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ यूजीसी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2019 को खारिज कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को खारिज कर दिया। पहले विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के अनुसार नियुक्तियां होती थी, इसमें विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेज को भी एक यूनिट माना जाता था। इसके तहत 49.50% सीटें एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित रहती थी, जबकि शेष सीटें सामान्य वर्ग के लिए होती थी। अगर किसी विभाग में 4 पदों के लिए वैकेंसी निकलती तो इनमें से 2 सीटें अनारक्षित और 2 आरक्षित होती थीं। लेकिन नए 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम में विश्वविद्यालय की जगह विभाग विषय को यूनिट माना जाएगा। इसके अनुसार अगर किसी विश्वविद्यालय में किसी विभाग में वैकेंसी आती है तो 4th, 8th और 12th कैंडिडेट ओबीसी होगा, मतलब कि एक ओबीसी कैंडिडेट विभाग में आने के लिए कम से कम 4 वैकेंसी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।